श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरदेवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जेद्मुद्रित जटासुरवत देवयोग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया। और में समस्त शास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। राजन एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोम साधे महर्षिगण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शास्त्र को उठा कर ले चला। उनमें से सहदेव की किसी प्रकार पराक्रम करके छुट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम के तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। फिर जिन्हें राक्षस हर ले जाता था उन धर्मराज युधिष्ठिर ने उससे कहा, रे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है, तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता। तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। प्रामाणिक पुरुषों को गुरु ब्राह्मण मित्र और विश्वास करने वालों से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उससे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू हमारे यहाँ थे उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है। इसलिए कुबेर ने कुबेर के आश्रम से आगे न भटकर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से श्री नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को लौट जाओ। वहाँ से तुम सिद्ध और चारणों से सेवित ऋषभ परवा के आश्रम को जाना, जो बड़ा ही रणमय और सिद्ध एवं चारणों से सेवित है। फिर उसे पार करके तुम आष्टिसेन के आश्रम में निवास करना। उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेर के मंदिर के दर्शन हो गए। इसी समय वहाँ दिव्य गंधमय पवित्र और शीतल वायु बहने लगा तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस अद्वितीय आश्चर्यमय आकाशवाणी को सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धर्मीय की बात मानकर वहाँ से लौटकर श्री नर नारायण के आश्रम में आ गए। बड़े सम्मान से सुख पूर्वक रहा है। अरे दुर्बुद्धे, हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हराना चाहता है? इस प्रकार तो तेरा आचार आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए, अब वृथा मरना चाहता है। अरे राक्षस, आज तूने इस मानवी का वर्ष क्या किया है? मानो गड़े में रखे हुए विष को ही हिलाकर पिया है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। अनेक पार से दबकर उसकी गति उन्नति तेज नहीं रही। तब धर्मराजा ने अनुकूल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से डरो मत,
मैंने इसकी गति को कुठित कर दिया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा, बस अब वह आता ही होगा। फिर इस राक्षस का कहीं नाम निशान भी नहीं रहेगा। तदंतर उस मूड बुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह देश और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें। यदि इस युद्ध में हमें इसे मार डाले तो विजय पावेगे, और आदि हम ही मारे गए तो सद्गति प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा, अरे वो राक्षस, जरा खड़ा रहा, तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथ से मारा जाकर यहाँ शयन करेगा। माद्री कुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात वृद्धारे इंद्र के सम्मान गदाधारे भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। यह देखकर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले, रे पापे, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचाना लिया था कि तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसलिए मैं तुझे कैसे मारता यह राक्षस से ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है वह कर्म में जाता है। मालूम होता है आज तेरी मौत आ गई है, इससे तुझे ऐसी कुबुद्धि उपजी है, अवश्य अद्भुत कर्मा काल ने ही तुझे कृष्ण को हरण करने की बात सुझाई है। अब तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बल्कि तुझे बक और हिंडम्ब के रास्ते से जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस डर गया और पुनः सबको छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्रोध से उसके होठ कांपने लगे और उसने भीमसेन को कहा, अरे पापे, तूने जिन जिन राक्षस को युद्ध में मारा है उनके नाम मैंने सुने हैं, आज तेरे ही खून से मैं उनका तर्पण करूँगा। फिर दोनों में बड़ा भयंकर महाबाहु युद्ध होने लगा। तब दोनों माद्री कुमार भी क्रोध में भर कर उस पर टूटे पड़े, परंतु भीमसेन ने हंस कर उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही इसके लिए बहुत हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो। बस अब वे दोनों वीर आपस में होड़ बढ़कर बाहु युद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक दूसरे की बुद्धि सहन न होने से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे पर चोटें करने लगे। जिस प्रकार पहले श्री की इच्छा से बाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों का भी रुष युद्ध होने लगा, जिससे वहाँ के अनेकों वृक्ष उखड़ गए। फिर उन्होंने व्रज के सम्मान वेग वाले शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे पर दुष्टों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देखकर भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। फिर
कोहिन के चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय वरुदंत गण जैसे इंद्र की स्तुति करते उसी प्रकार ब्राह्मण लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे।